हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अचानक से पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है और पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से आप 1,000 से लेकर 10 लाख रुपए का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला पूरे 45,000 रुपए का यहाँ पे लोन मिल चुका है। तो आज भी आपको पूरे 45,000 रुपए का यहाँ पे जो लोन है तो लाइव प्रूफ आप यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे आपको लोन के लिए अप्रूवल करवाना है और कैसे आपको लोन अप्लाई करना है। उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देख रहे हैं। और जो एप्लीकेशन है एकदम आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपको 10,000 से लेके पूरे 45,000 रुपए का यहाँ पे जो लोन है तो लाइव प्रूफ ही आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। अगर आप भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर चुके हैं या वहाँ से भी आपको लोन नहीं मिला तो ये वीडियो आपके लिए पहुँचाती हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं 45,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ तो मैं इसको 9 मंथ के लिए भी ले सकता हूँ। मेरी जो ईएमआई बनेगी तो 5712 रुपए मेरी ईएमआई बन जाएगी। मेरी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगेगी कम से कम 1500 से लेकर 1700 रुपए मेरी यहाँ पे लग जाएगी। अगर मैं 10,000 रुपए का लोन को अप्लाई करता हूँ, मेरी ईएमआई बनेगी 9 मंथ की 1284 रुपए और 6 मंथ की बनेगी 1846 रुपए। तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। इंस्टेंट आपको इस एप्लीकेशन पे अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पैन कार्ड आधार कार्ड को सबमिट किया, मुझे इंस्टेंट पूरे 45,000 रुपए का यहाँ पे लोन मिल चुका है। मुझे जो अप्लाई करना है तो पूरे 25,000 रुपए के लोन को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मैं 25,000 रुपए के लोन को अप्लाई करूंगा 9 मंथ के लिए तो मेरी ईएमआई बनेगी 3211 रुपए, क्योंकि मुझे 25,000 की यहाँ पे जरूरत है। आपको भी जितने भी यहाँ पे जरूरत है उतना अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लोन उतना ही अप्लाई करना है जितना आप इसकी यहाँ पे रिपेमेंट कर पाए, क्योंकि ऑटोमेटिक आपकी किस्त यहाँ पे कट जाएगी। अगर आपकी किस्त यहाँ पे टाइम पे नहीं जाएगी आपको चेक बाउंस का चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है और आपका जो सिबिल है ना वो भी यहाँ पे डाउन जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जितना भी लोन चाहिए उतना लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे अप्लाई करना 25,000 रुपए का, आपको जो कन्फर्म वाला ऑप्शन दिख रहा है वो कन्फर्म वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना है। अप्लाई करने से पहले आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे जान लेनी है, उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले करना क्या है, मेटेरियल स्टेटस। तो यहाँ पे अगर आप मैरिड है तो मैरिड वाले ऑप्शन आपको टैप करना है, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा फादर नेम। जो भी आपका फादर नेम है आपको फादर नेम को यहाँ पे डाल देना। जैसे आप फादर नेम को डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे आपको मदर नेम को डाल देना, जो भी आपकी मदर का नाम है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है वेयर डू यू लाइव। तो यहाँ पे लिखा है आपका जो घर है ना वो रेंट पे है अपना है। अगर आपका अपना है तो ओवन वाले ऑप्शन आपको टैप करना है, अगर आप रेंट पे नहीं रहते, अगर आप रेंट पे रहते हो तो नीचे वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पे मेरा खुद का घर है तो मैं ओवन वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना, नीचे की तरफ आना। तो यहाँ पे लिखा है मैरिज, यहाँ पे पर्पज ऑफ लोन, आपको जो लोन चाहिए ना किस पर्पज के लिए चाहिए। अगर आपको लोन को यहाँ पे अप्रूवल करवाना ना तो यहाँ पे आपको मैरिज डालना है या आपको मेडिकल यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैंने मैरिज यहाँ पे डाल देना है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ मिलेगा आपको लैंग्वेज सिलेक्ट का, आप यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आप जो भी बिजनेस करते हैं ना, जहाँ पे भी आप बिजनेस करते हैं आपको बिजनेस का नेम यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप कहीं जॉब करते हो कहीं काम करते हो वो आपको बिजनेस नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद रजिस्टर्ड एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है ना आपको अच्छे से फिल कर देना है। जो भी आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना, तो यहाँ पे आपको अपने पिन कोड को डाल देना है। तो जो भी आपका पिन कोड है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपका जो पिन कोड होगा उसको आपको करेक्ट यहां पे डाल देना, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद यहां पे लिखा है एनुअल, एनुअल सेल्स आपकी लेटेस्ट इनकम यहां पे कितनी है। तो यहां पे काफी लोगों के मन में यही डाउट चलता है कि यहां पे 0 से लेकर 5 लाख है, 5 लाख से 10 लाख है। तो यहां पे आप अपने हिसाब से 0 से लेकर 5 लाख यहां पे डाल सकते हो। तो यहां पे मैंने 5 से 10 लाख यहां पे डाल रखा है। उसके बाद आपको नीचे करना, तो यहां पे लिखा है रजिस्टर्ड टाइप 1 पर्सन कंपनी, आप किस कंपनी में यहां पे काम करते हो 1 पर्सन, तो यहां पे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे आना, तो यहां पे आपको बिजनेस नेम डाल देना, आप जो भी बिजनेस करते हो किसी भी कैटेगरी का आपका काम है। तो यहाँ पे मैंने फूड प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रखा है, आपका जो भी काम होगा ना वो काम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपको नीचे की तरफ एक कंटिन्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन आपको टैप कर देना है। आपको जो थर्ड ऑप्शन मिलेगा यहाँ मिलेगा सेल्फी का, तो यहाँ पे आपको जो सेल्फी डालनी है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी जाके सेल्फी को खींच के डाल देना है। तो यहाँ पे आपको जो सेल्फी डालनी है व्हाइट, मतलब कि जो बैकग्राउंड है ना उसका व्हाइट होना चाहिए। और जैसे आप सेल्फी को लेंगे आपकी सैलरी मतलब कि सेल्फी एकदम क्लिक होनी चाहिए और एकदम साफ आपकी सेल्फी यहाँ पे आने चाहिए, कोई भी आंखों के पास ब्लर ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पे जैसी सेल्फी देंगे उसके बाद आपको जो नीचे वाला ऑप्शन मिल रहा है ना ये वाला, आपको सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है।
तो यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बैंक इन्फॉर्मेशन। आपका पे जो बैंक इन्फॉर्मेशन डालनी है ना, जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप बैलेंस लेना चाहते हो वो आपका नाम होना चाहिए, और जहाँ पे आपने लोन के लिए अप्लाई किया जैसे पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड में, वहाँ पे भी आप ही का नाम यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अपने नाम से लोन के लिए अप्लाई कर दिया, बैंक खाता आप किसी और का लगा रहे हैं तो आपका लोन वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को फिल कर देना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है आपको फिल करना है अच्छे से। उसके बाद अकाउंट नंबर को आपको अच्छे से यहाँ पे कहीं पे भी चेक करके अच्छे से फिल करना है। उसके बाद आपको दोबारा से अपने अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको FSC कोड को क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं FSC कोड आपको मिलेगा। FSC कोड को जैसे आप क्लिक करेंगे आपको काफ़ी सारी लिस्ट निकल के आ जाएगी, जो भी आपके स्टेट का या वहाँ का वो FSC कोड होगा, आपको FSC कोड को यहाँ पे डाल देना है। नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा NPCI का, NPCI पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। देखो जैसे आप वेरीफाई वाला ऑप्शन पे आपको टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 से 4 मिनट का वेट करना है। तो जैसे आप 2 से 4 मिनट का वेट करेंगे तो यहाँ पे 2 से 4 मिनट के अंदर ही जो लोन है आपके बैंक खाते में आपको ट्रांसफर हो जाएगा। कितने आपके बैंक खाते में आएंगे और कितनी EMI आपके बनने वाले, कैसी आपकी इसकी रिपेमेंट करनी है, अभी मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके डिटेल निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो लोन था ना 25,000 रुपये का आपका लोन था, मंथली EMI आपकी 3211 रुपये, और ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से आपकी EMI यहाँ पे कट हो जाएगी। हर 5 तारीख से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करके रखना, ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से जितनी भी आपकी EMI बनी है 3211 रुपये ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से यहाँ पे कट जाएगी। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा तो व्यू EMI डिटेल का, आप अपने EMI को चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो EMI बनी है, नो EMI का ऑप्शन मुझे मिल चुका है, और जो मेरी EMI बनी है 3211 रुपये मेरी EMI यहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको बैलेंस को आपके बैंक खाते में आने के लिए। अगर आपको पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है तो आप इस एप्लीकेशन पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे लिमिट मिल सकती है, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिबिल थोड़ा सा डाउन था, उसके कारण मुझे पूरे 45,000 रुपये का यहाँ पे लोन मिला था। तो मुझे यहाँ पे जो जरूरत थी 25,000 रुपये की, तो मैंने 25,000 रुपये की यहाँ पे लोन को यहाँ पे अप्लाई किया था। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन की रेटिंग को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4.7 की इसकी रेटिंग है, और जिसके डाउनलोड यहाँ पे 5 करोड़+ इसके यहाँ पे डाउनलोड है। आप इसके डाउनलोड देख सकते हैं कि भाई इसके 5 करोड़ डाउनलोड है। आप इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं कि जितनी आपको रेटिंग मिलेगी ना, इसकी 5 स्टार में इसकी रेटिंग है, यहाँ पे भी 5 स्टार में, यहाँ पे भी 5 स्टार में, यहाँ पे भी आपको 5 स्टार में मिलेगी, और एकदम रियल रेटिंग है क्योंकि 5 करोड़ इसके डाउनलोड अभी तक यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको करना कि अबाउट सेक्शन पे आ जाना। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको किसी भी एप्लीकेशन का ना थोड़ा सा भी चेक करना है, और आपको यहाँ पे अच्छे से इसको रीड यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा है आपको 5,000 से लेके पूरे 10,00,000 रुपए का आपको लोन मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर 5,000 रुपए का आपको लोन मिलता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ना इसके लैंडिंग पार्टनर की डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफी टाइम पहले भी आपको बोला था कि किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको उसके लैंडिंग पार्टनर डिटेल करनी है, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या एप्लीकेशन NBFC अप्रूव्ड है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी इसके लैंडर पार्टनर, आप देख सकते हैं 10 से 15 इसके यहाँ पे लैंडर पार्टनर है जो इसको यहाँ पे लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा NBFC का, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मनीव्यू हैज द पार्टनर विद द RBI ऑथोराइज्ड एज द रेगुलेटेड NBFC फॉर द फाइनेंस। तो जो एप्लीकेशन है NBFC फॉर्म है और काफी बड़ी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे लिखा है अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई दिक्कत है ना तो ईमेल सपोर्ट आपको मिल जाएगा, साथ में आपको कॉल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन आई थी यहाँ पे 2017 में, आज यहाँ पे 24 चल रहे, काफी पुरानी एप्लीकेशन है। और यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड होना चाहिए, इंस्टेंट आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। आपकी जो एज है 21 साल की होनी चाहिए, तो इंस्टेंट आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। अब जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मनीव्यू लोन क्रेडिट स्कोर एप्लीकेशन है, तो जिसकी रेटिंग 4.7 की है, 5 करोड़ इसके यहाँ पे डाउनलोड है। अगर आपको यहाँ पे जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।